हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, तो आज मैं अपने एक परमानेंट प्लांट, इंडोर प्लांट, खूबसूरत फोलियोस वाला प्लांट को रिपोर्ट करने जा रही हूँ, जिसे कहते हैं, जो यहाँ पर रखा हुआ है। और मैं अभी इसे यहाँ से उतारूँगी स्टैंड पे। और ये है प्लांट मेरा, फिलोडेंड्रन लेमन लाइम, जो कि ये गोल्डन पोथोस में लगा हुआ है। तो इसे मैं एक सेपरेट प्लांटर देने के लिए सोच रही हूँ। तो पहले मैं इसे इस प्लांटर से निकालती हूँ नीचे रख करके, उसके बाद तो निकालने के लिए ये यहाँ से इस तरह से, ये देखिए, ये इस तरह से निकल आया। देखिए कितना अच्छा सा रूट बना है। और सबको निकालते हैं पहले और यहाँ पर रखते जाती हूँ निकाल करके। उसके बाद और भी एक है यहाँ पर, ये बड़ा सा लगा है, ये हैंगिंग चेन में फंस गया है। तो पहले मैं इसे थोड़ा क्लियर कर लूँ या फिर निकालने के साथ ही क्लियर करूँगी। तो देखती हूँ ये किस साइड से लगा है, इसका एंगल भी समझ लेते हैं, उसके बाद लगाएंगे। ये ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा ही इसकी रूट फैल गई है अंदर तक, तो निकालते हैं। थोड़ी परेशानी होगी, मुझे पहले ही इसे अलग लगाना था, मनी प्लांट में नहीं लगाना था। उसके साथ इसकी रूट मैच कर गई है, ये देखिए इस तरह से। और वो भी और ज़्यादातर परेशानी तो ये इस चैन से हो रही है। तो कट करके निकालती हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फ्रेंड्स, वॉश करती हूँ वीडियो को। जब लगाई थी जब लिप्स छोटे छोटे थे, लेकिन फ्रेंड्स अभी लिप्स इसमें फंस गए हैं, इस चेन में फंस गए हैं, तो निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और ये लिप्स ख़राब भी हो जाएंगे इस तरह से। तो मुझे लग रहा है तोड़ के निकालना पड़ेगा, पहले निकाल लेते हैं। दोनों हाथ लगा के निकालना पड़ा, थोड़ा सा तो ये पत्ते टूट गए इसके, इसमें भी अच्छी सी रूट बनी है। और ये जो हमारा मनी प्लांट है वो भी डिस्टर्ब हो गया। ये है न्यून पोथोस, तो इसे फिर से हम लगा देंगे। और पहले इसे लगाते हैं, तो ये मैं ली हूँ मिट्टी का पॉट, और इसमें मैंने ये दीपक के टुकड़े रख दिए। थोड़े से कोकोपीट डाल देते हैं इसके अंदर, ताकि पानी को होल्ड करके रखेगा, नमी बनाए रखेंगे। और फिर सॉइल मीडिया मिलाते हैं, तो कोकोपीट, गार्डन सॉइल और ये वर्मिंग कंपोस्ट है, मिक्स कर लेते हैं। और फिर मिक्स हो गया, अब इसमें भर देते हैं सॉइल मीडिया अच्छे से। और फिर ये पॉट प्लांट को भी रखते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है ये। और ये दूसरे वाले को भी रख देते हैं इस तरह से, इसकी रूट डिस्टर्ब ना हो। और साथ में यहाँ भी लगा हुआ है, तो इसमें से भी निकालते हैं। ऊपर से मैं अलग अलग करके रखी थी इसे, तो ये तो निकल गया पूरा रूट के साथ, इसकी खुल गई है। तो इस तरह से इसे भी रख देते हैं और सॉइल मीडिया भर देते हैं। ये सेपरेट प्लांटर में अच्छा से ग्रो होगा। और इस तरह से मैंने पूरा मिट्टी अच्छे से इनको डाल दिया। बहुत दिन से सोच रही थी फ्रेंड्स कि रिपोर्ट करेंगे करेंगे, कर नहीं पा रहे थे, आज हो ही गया। तो इसमें चार प्लांट लगे हैं इस तरह से, ये हो गया। और इसको मनी प्लांट को भी, ये न्योन पोथों से इसे भी ठीक से सेट कर देती हूँ, जो डिस्टर्ब हो गया है ये सब। उसमें भी थोड़ा सा सॉइल मीडिया भर देंगे, इसके रूट पूरे निकल गए उसके कारण। जब हम किसी की कटिंग लगाते हैं तो बस यूं ही लगा देते हैं, उस टाइम नहीं सोचते हैं कि दूसरे प्लांट को भी नुकसान हो सकता। तो ये हो गया। और थोड़ा सा गार्डन की व्यूज़ भी दे देती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए हिबिस्कस में कितने सारे फूल खिले हुए हैं,
और कलियां भी बनी है। ये देखिए गुलाब में भी इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है ऊपर में, और ये देखिए ये यहाँ पर इस तरह से एग्लोनीमा, ये वडलिया है जो ऊपर से हैंग हो रहा है, और ये अडेनियम है जो डबल डबल फ्लावरिंग कर रहा है। ये देखिए सब में कलियां फिर से आने लगी फ्रेंड्स। अभी एक बार फ्लावरिंग ख़त्म हुआ, अभी एक बार फ्लावरिंग ख़त्म हुई इसकी, और फिर से इस तरह से भर भर के कलियां आने लगी, फिर से फ्लावरिंग के लिए तैयार हो गया पौधा सभी में। ये कटिंग से लगा है, इसमें भी कलियां आने लगी इस तरह से, और ये तो प्लांट है हमारा। और अभी सुबह का टाइम है तो पिंकी पिस्कस अभी ठीक से फ्लावरिंग नहीं किया है, और ये हाइब्रिड में भी बर्ड्स आए हैं इस तरह से तैयार हैं। यूफोबिया मिली में भी फूल खिलने को तैयार है, और ये पंचमुखी हिबिस्कस में भी इस तरह से फूल खिले हैं, और कल ये खिल जाएगा। और ये पीला वाला हिबिस्कस, और इस तरह से यहाँ का बोगनविलिया और सभी प्लांट इस तरह से सेट है। ये पिंक एक्सोरा भी फ्लावरिंग के लिए तैयार हो गया। तो इस तरह से ये नगचंपा में भी फूल खिल रहे, और फिर भी नहीं सभी अपने जिसमें मैं भर भर के पानी दे दूंगी ताकि इनके रूट अच्छा से सेट हो जाए, जिसको मैंने किया था, और ये उसके भी रूट डिस्टर्ब हो गए थे। तो ओके बाय फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ओके बाय।